राजस्थान में कल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से वीसी के जरिए कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट कंपनियों और फैक्ट्रियों को सशर्त संचालन की अनुमति मिल रही है। इस दौरान सभी को तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सरकारी कार्यालयों, फैक्ट्रियों एवं प्राइवेट कंपनियों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को नहीं बुलाया जाएगा। प्रतिदिन रोटेशन के हिसाब से उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी। कुछ तय क्षेत्रों में आंशिक छूट दी जाएगी। वहीं रेड जोन में शामिल इलाकों में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू नहीं होगा। इन सभी इलाकों में कर्फ्यू लागू है तो वहां किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। जयपुर के रामगंज सहित विभिन्न जिलों के हॉटस्पॉट में रहने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दफ्तर और फैक्ट्री जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश की बड़ी अनाज और सब्जी मंडियों में पहले से ही काम शुरू कर दिया गया है। अब छोटी मंडियों में भी कल से काम शुरू होगा। किराना और मेडिकल स्टोर पर उन्हीं लोगों को सामान मिलेगा जो मास्क लगाकर पहुंचेंगे। दुकानदार को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि अब क्षेत्र से दूर खनन, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट इकाइयां सोमवार से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फार्मा कंपनियां, पशुपालन एवं खेती से जुड़ी गतिविधियां, कपड़ा मिल्स, रोलिंग मिल्स, साबुन एवं डिटर्जेंट बनाने वाली इकाइयों व इलेक्ट्रिक सामान बेचने वालों के साथ ही जवाहरात व्यापारियों को भी अनुमति मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली सभी इकाइयों को संचालित करने दिया जाएगा। फिलहाल रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, कॉमर्शियल मॉल, बियर बार, कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज, हेयर कटिंग की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो रहा है, उसके लिए हमने कहा है कि तो सरकारी जो अधिकारी जिलों में और यहाँ पर सचिवालय में जयपुर के अंदर, ये हमने व्यवस्था करी है कि वो सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज तक के लोग आए और उनका पर्सनल स्टाफ आए। और 1/3 जो कर्मचारी आने की पहले बात हम सोच रहे थे, 1/3 बुलाएंगे, उनको भी रोक दिया गया है क्योंकि एक साथ में खोना उचित नहीं था। ये हमने कहा है कि हम उनके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी स्तर के लोग, डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के लोग आएंगे। 2 सप्ताह बाकी, अभी 3 तारीख आने वाले हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि फेज वाइज सब फैसले करें। इसी प्रकार जो छूट दी गई थी नगर पालिका के बाहर जो है उद्योग काम शुरू कर सकते हैं, वही व्यवस्था कायम रहेगी। और ग्रामीण क्षेत्र में जब निर्माण के काम हो, चाहे माइनिंग के काम हो, इंडस्ट्री हो, सब चालू होंगे। पर शहरों के अंदर खाली वही इंडस्ट्री को अलाउ किया जाएगा जो अपने मजदूरों को प्रीमाइसेस के अंदर रखने के लिए तैयार होंगे या पहले से उनकी व्यवस्था की हुई है, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं। जो पास बने हुए हैं कर्फ्यू को देखते हुए, वो पास जो है पहले बने वही पास कायम रखने का फैसला किया है कि 3 महीने तक नए पास नहीं बनेंगे, जो पुराने पास है वही रिवाइव होंगे, वही काम करेंगे, वही एलिजिबल होंगे। अब जो नया पास बनाएंगे उनके लिए ऑनलाइन ई पास की व्यवस्था की गई है। अब जो नए पास बनेंगे वो बनेंगे ई पास, बनेंगे कंप्यूटर से, बनेंगे घर बैठे बनेंगे नए पास। पुराने पास जिनके पास है उनको नए पास बनाने की जरूरत नहीं, नया ई पास बनाने की जरूरत नहीं उनको, ये तय किया गया है। बाकी 15 अप्रैल को जो गाइडलाइन निकाली है होम मिनिस्ट्री ने, मैं समझता हूँ कि उससे सब बातें सही क्लियर हो गई कि लॉकडाउन, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन है ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन कोई उसको कोई लूज किया गया है। लॉकडाउन जो आज है या कल था वही लॉकडाउन कल से रहेगा, आगे 3 तारीख तक रहेगा, इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। इस भ्रम के आधार पर वो इधर फिरने लग गए तो उनको तकलीफ आ जाएगी, केस दर्द हो जाएंगे, कार्रवाई होगी।
लॉकडाउन आज है वही कल है, 3 तारीख तक वही रहेगा, एक्सेप्ट जो एक्टिविटी छूट दी गई है उसको छोड़ करके। ये मैं चाहूंगा आप सबसे, आप सारा इनको जनता में इसको एक स्पष्ट करें। उस चक्कर में ऐसा नहीं कल सुबह से लोग बाहर निकलने लग जाए। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला।